Please welcome to my YouTube channels. How are you? I hope all of you are fine. तो हम लोग एक रीजनिंग की क्लासेस लेकर चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम बिल्कुल छोटे से मतलब एकदम तोड़ करके बारीकी से जो एकदम नहीं पढ़ा होगा वह भी और जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रिक और स्पेशल तरीके मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो बिना समय व्यतीत किए हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। जैसा क्लास आज का है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। भिन्न को क्या भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है, सिंपल ट्रिक कैसे होती है, उससे रिलेटेड हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि फ्रैक्शन होता है भिन्न होता क्या है। देखिए भिन्न बताया गया जब किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पी में क्यू से भाग दिए, ठीक, कोई आंसर हमें प्राप्त होगा तो ही पी अपॉन क्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी में आता है दशमलव भिन्न। कंफ्यूजन होता है कभी कभी सभी लोगों को कि दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न में क्या होता है कि यदि किसी भी भिन्न का जो मतलब डिनोमिनेटर होता है हर होता है अगर वह दस का गुणांक हो, जैसे पी बटा के अगर टेन हो गया तो इसको हम दशमलव भिन्न बोलेंगे, या पी बटा के हंड्रेड हो गया तो भी इसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भिन्न के प्रकार भी हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार कितने प्रकार की भिन्न हो सकती हैं उसको हम लोग जानना चाहेंगे। पहला जैसे इवन फ्रैक्शन हो गया, मतलब सम भिन्न हो गया, सम भिन्न में आपको क्या मिलेगा कि हमेशा जो हमारा न्यूमरेटर होता है वह डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे एक बटा के तीन हो गया, पाँच बटा के सात हो गया, तीन बटा के आठ हो गया, ये सब जो फ्रैक्शन होंगे हमारे कैसे होंगे, सम भिन्न होंगे, ठीक। विषम भिन्न का मतलब हो जाएगा ऐसे भिन्न जिनका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है, इसमें न्यूमरेटर दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है। और इसमें ऐसे हो जाएगा जैसे फाइव अपान टू हो गया, थ्री अपान वन हो गया, इलेवन अपान थ्री हो गया, इस प्रकार का जो फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर इसमें न्यूमरेटर लेस देन होता है, इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है न्यूमरेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर इसमें बड़ा है। अब संयुक्त भिन्न हो गया, कंबाइंड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, कुछ इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं, टू करेक्ट वन अपॉन थ्री, फाइव करेक्ट सेवन अपॉन नाइन, तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं, ठीक है। जनरली इस प्रकार के भिन्न आपको मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं भिन्न पर संक्रियाएं। भिन्न पर संक्रियाएं कैसे करते हैं, जैसे पहला जोड़ हो गया, ठीक है। तो जोड़ में क्या होता है, जनरली दो प्रकार से होता है। जैसे अगर ऐसे ऐसे लिखा गया वन अपॉइंट टू प्लस पाँच, जैसे फर्स्ट तो सम हर वाला है, प्लस थ्री अपॉन टू हो गया, यह कैसा हमारा है, जिसका हर हमारा समान है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करते, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं, फोर अपॉन टू इसको डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा, ठीक। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप जिसका हर विषम है, विषम हर वाले भी फ्रैक्शन आते हैं, जैसे थ्री बाई फाइव प्लस फोर बाई सेवन, सपोज इस प्रकार के फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर दोनों का सेम नहीं है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो उसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे तरीके में जल्दी जनरली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन हो जाएगा,
इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एट कर देंगे 41 अपॉन 35, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जोड़ हो गया। इसी प्रकार से हम लोग घटाना भी करते हैं, घटाने के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पर अगर माइनस हो जाता तो यहाँ पर माइनस हम कर लेते हैं, ठीक है, एक देख लेते हैं हम लोग घटाना में, जैसे 2/3 माइनस 5/4, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर लेते हैं, 8 - 15 / 12, इसको माइनस करेंगे तो -7/12 हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन हमारा ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इसमें गुणा, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, इसका नॉर्मल तरीका होता है सामने सामने वाले का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 2/3 × 4/5, तो इसमें क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/15, सिंपल तरीका होता है, ठीक है, सामने सामने वाले का सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसका भाग ये भी नॉर्मल ही है 2/3 / 4/5, इसमें क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेते हैं जहाँ डिवाइड का चिन्ह है, मल्टीप्लाई करके भिन्न को पलट लेते हैं, 5/4 10/12 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे कुछ सिंपल तरीके थे फ्रैक्शन को समझने के लिए। अब फ्रैक्शन में देखिए कुछ हमारे सतत फ्रैक्शन आते हैं डेसिमल के रूप में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, बार लगा हुआ क्वेश्चन आता है कंपटीशन, हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जनरली एकदम सिंपल सा तरीका होता है, जैसे 0.5 पे बार लग गया तो कुछ नहीं करना है, 5/9 सुना ना, एकदम नॉर्मल तरीके, जैसे 0.45 पे बार लगा हुआ है तो 4/5/99, अगर 3 डिजिट लिखा गया 2, 3, 4 इसमें बार लगा हुआ है तो 2, 3, 4/9, 9, 9 इसमें का था इस तरीके का, अगर इस तरह टाइप का क्वेश्चन भी कराता है, जैसे 0.24 तो कुछ नहीं करते हैं इसमें, 24 माइनस जिसमें बाहर नहीं लगा रहा था उसको हटा लेते हैं, 2/90 हो जाएगा हमारा 22/90, नॉर्मल सा तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये था हमारा ट्रिक नंबर फर्स्ट में था। ट्रिक नंबर सेकंड में भिन्न से क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई आदमी अपने आमदनी का 2/3 भाग अपने बेटे को दे देता है, इतना भाग अपने पत्नी को दे देता है, तो उसके पास शेष राशि 1000 रुपये ऐसे बचता है, जैसे कोई क्वेश्चन ही मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल है कि कोई किसी व्यक्ति की इतनी मतलब आमदनी कितनी थी उतना निकालना अगर होगा कि वह मान लीजिए 2/3 भाग जैसे देने के बाद तीन लोगों को अपने तीन बेटों को देने के बाद भी उसके पास सपोज 1000 रुपये बचता है, तो 1000/1 - 1/2 भाग अपने पहले बेटे को दिया था, 2/3 भाग दूसरे बेटे को दिया था और 1/4 भाग अपने तीसरे बेटे को दिया था, ठीक है, तो उसकी टोटल आमदनी कितनी होगी फाइंड करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1000/ इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 पलट जाएगा ना 8 मिला जुला, और उसका 8000 रुपये सैलरी रहा होगा, इनकम उसका रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन समझा ना, आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बट एग्जांपल बता दिया आपको तो समझ में आ गया होगा। ट्रिक नंबर थर्ड कंटिन्यूअस क्वेश्चन, वितरित भिन्न के अगर क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन में जो एंट्रेंस एंट्रेंस आप देंगे उसमें भी, तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, देखने में लगेगा इस प्रकार से सीढ़ी नुमा होता है, ठीक है, तो इसको हमेशा नीचे सॉल्व किया जाता है, नीचे से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए
हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को 2 + 2/2 इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4 2 × 2 = 6/2 यानी 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने कितना आएगा 3 आएगा। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 + 2/3 = 6 × 2 = 8/3। अब यह पलट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 + 3/8 इसका मतलब 2 + 6/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 8 × 16 = 22 22/8 या 11/4 ठीक है। तो फ्रैक्शंस रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।